हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अकबर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जैसे कि जो कुर्ती होता है ना, जो कुर्ती और जो कामीज होता है, तो उसमें बहुत लोग हैं, जैसे कि बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट पड़ा था तो आज मैं कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूशन है, जैसे कि बहुत लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें कस्टमर को कौन सा बताए, जैसे कि हाई वेस्ट कितना है, नॉर्मल वेस्ट कितना है। अगर कस्टमर उनके पास से खरीदेगा कुर्ती तो कस्टमर को क्या बताना है, उसका बास्ट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा जो साइज चार्ट होता है, वो जैसे कि डबल एक्स एस से मैंने 6XL तक एक साइज आप लोगों को दूंगा, और साथ ही साथ उनका हाई वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट, हाई वेस्ट किसे बोलते हैं वो बताऊंगा, नॉर्मल वेस्ट किसे बोलते हैं वो बताऊंगा, और कस्टमर को आप लोगों को क्या बतानी है, कौन सा हिसाब से हम लोग करेंगे, और हम लोग पैटर्न भी कैसे कट करेंगे। ठीक है, पैटर्न कट करने इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मगर बहुत ही जल्दी मैंने जैसे कि कुर्ती का नया अपडेट आप लोगों को दूंगा, जैसे कि बहुत ईजी तरीके से आप लोग कट करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा फ्रेंड, जो कुर्ती का जो चार्ट है वो आप लोगों को मिलेगा, यानी कि डबल एक्सेल बोले तो उनका बास्ट कितना आता है, बास्ट बोले तो नॉर्मल बास्ट कितना होता है, हाई बास्ट कितना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका फुल लेंथ क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एक फॉर्मूला भी मिलेगा। तो फ्रेंड, हम लोग जब कुर्ती वगैरह बनाते हैं, जो ऑर्डर ही हम काम करते हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम लोग जो हाई वेस्ट मेजरमेंट बहुत लोगों को पता है, जो ऊपर वाला, यानी कि यहां से हम लोग ऐसे करके जो मेजरमेंट लेते हैं ना, इस जगह में वो होता है हमारा हाई वेस्ट, इस जगह में होता है हमारा नॉर्मल वेस्ट। ठीक है, इसके बारे में ही बता रहा हूं। और जो फुल लेंथ होता है फ्रेंड, फुल लेंथ इसी तरह ये बास्ट के ऊपर से जितना नीचे फुल लेंथ लेना चाहते हैं, जो लोग ऑर्डरी वाला काम करते हैं, आप लोग इसी तरह ही लेंगे। ब्लाउज के जैसे फ्रेंड साइड में नहीं लेंगे, ऊपर से आप लोगों को लेना है। तो ऊपर से हम लोग क्यों लेंगे, इसके मतलब है फ्रेंड, जैसे कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जैसे कि बास्ट में अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है, तैयार होने के बाद जिस जगह में रहेगा कस्टमर वो ही देखेगा, मगर जैसे हम लोगों को दोनों तरफ, यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा है, फ्रंट वाला हिस्सा है, दोनों तो इक्वल पहनने के बाद नहीं दिखता है, ऊपर में थोड़ा सा उड़ जाता है, नीचे की ओर थोड़ा सा लंग हो जाता है, तो इसकी वजह है वो बास्ट होता है। ठीक है, तो मगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है जो फ्रंट में देखे उसी तरह ही आप लोगों को बनाना है, तो फ्रंट कुर्ती के लिए इसी तरह ही लेना है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, आप लोग एक हैबिट करेंगे, जैसे कि फुल लेंथ किस जगह से आप लोग लेना चाहते हैं, तो फ्रंट जो होता है, मानिए जैसे कि आपका जो पूट होता है ना, जितना पूट आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप तय कर लीजिए पूट कितना है। तो देखिए, कुर्ती के लिए जो पूट मेरे ख्याल से जो ये जो क्रॉस पॉइंट होता है, ये क्रॉस पॉइंट के हिसाब से आप ले सकते हो, और नहीं तो मेजरमेंट आप उसी हिसाब से लेंगे, और उसके बाद जो नेक विथ होता है उसी तरह भी आप लोग ले सकते। बहुत लोग है इस जगह से मेजरमेंट लेते हैं, मगर देखिए इस जगह में थोड़ा सा मुश्किल आ जाते हैं, मगर कुर्ती जो कट करने के लिए आप लोगों को जो नेक राउंड चाहिए, नेक राउंड के बाद थोड़ा सा नीचा रखिए, और उसके बाद वहां से आप लोग मेजरमेंट ले लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ ये जो मिडिल है ना, इसका मिडिल से आप ले लीजिए, बहुत आसान होगा। तो फुल लेंथ उसी तरह हम लोग लेते हैं। तो आप सवाल होता है, जो कस्टमर आप लोग मानिए आप सेल कर रहे हैं, आपके पास एक सेल एक साइज है और एक कुर्ती आपके पास है, ओके। तो कुर्ती में, कुर्ती आपने जो तैयार की, हर एक जगह में अलग अलग तरीका से बनता है, किसी जगह में इस जगह में बड़ा होता है, इस जगह में छोटा होता है, उसके बाद वेस्ट छोटा होता है, किसी जगह में हाई वेस्ट थोड़ा सा नैरो होता है, उसके बाद नॉर्मल वेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसी तरह अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। तो देखिए, जब कस्टमर आपको पूछेगा हमारा बास्ट, यानी कि आपका जो कुर्ती है उसका बास्ट कितना है, तो बास्ट कितना है मतलब इस जगह के बारे में बोलना चाहते हैं। आप इस जगह को मत बोलिए, इस जगह में क्या होता है, सभी का शायद एक हो सकता है, मगर इस जगह सभी का एक नहीं हो सकता। अगर आपका जो एक्सेल साइज है उसका हाई वेस्ट 40 रहेगा, नॉर्मल वेस्ट 42, अगर वो कस्टमर आपको बोला हमें एक्सेल दे दीजिए, इस जगह को उनका ठीक है 40 है, मगर इस जगह का उसका 44 है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस जगह को ध्यान में देते हैं। कस्टमर सबसे पहले आपके पास आके बोलेंगे हमारा बास्ट
चलो 44 है, तो जैसे ही 44 वो बोलेगा तो आप जैसे कि डबल एक्सेल आपको उनको देना है, तो जैसे कि इस जगह में 44 है तो इस जगह में 42 होगा, थोड़ा सा बड़ा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, मगर ये फिट हो जाएगा। मगर ये ऊपर वाला हिसाब आप लोग हमेशा अगर फॉलो करेंगे तो इसमें फिट नहीं आएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, कुर्ती रेडीमेड खरीदने के बाद घर में जाकर थोड़ा सा इस जगह को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस जगह में फिट ना आए वो कुर्ती नहीं खरीदेगा आपको। आपका माल ऑनलाइन में सेल भी होगा फिर भी वो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे। तो ये जानने के लिए बताने के लिए मैं आप लोगों को एक चार्ट दे रहा हूँ, आप वो चार्ट को फॉलो कीजिए। जैसे कि एक्स से लेकर मैंने 5XL तक उसका हाई वर्स्ट नॉर्मल वर्स्ट सब दे रहा हूँ। और जैसे कि जो फॉर्मूला मिलेगा आप लोगों को, फॉर्मूला के नीचे आप लोगों को फ्रेंड जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट मेजरमेंट, कंप्लीट मतलब है अपटर स्टिचिंग, ठीक है। फिर अपटर स्टिचिंग यानी कि ये कंप्लीट मेजरमेंट ड्रेस मेजरमेंट है कंप्लीट। और जो बिफोर यानी कि पैटर्न मेजरमेंट हम लोग किसी फॉर्मूला में बताए थे, तो उसमें उसका मतलब है पैटर्न जब हम लोग कट करें पैटर्न में वो मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए। और सारे मेजरमेंट आप लोगों को इंच में मिलेगा, ठीक है। हम जितना फॉर्मूलास आप लोगों को देता हो सारे फॉर्मूलास आप लोगों को इंच में मिलेगा, सेंटीमीटर में नहीं है। तो चलिए इसे देखिए और उसके बाद आगे फ्रेंड मैंने बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों को दे दूंगा, हर एक ड्रेस का अलग अलग फॉर्मूला बना के। ये मैंने स्टार्ट किया है जैसे कि कुर्ती का देकर मैंने स्टार्ट किया हूँ, और उसके बाद कुर्ती बनाने के लिए जो जो सीक्रेट मेजरमेंट चाहिए सारे A to Z में दे दूंगा। उसके बाद जैसे कि गाउन वगैरह ये सब बहुत कुछ रिक्वेस्ट आ पड़ा है, मैंने सभी का फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो एक एक करके मैं दे दूंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ जैसे कि ड्राफ्टिंग प्रोसीड्यूर भी वो फॉर्मूला आप लोगों को दे दूंगा, ताकि किस तरीके से हम लोग वो बनाते हैं आप लोग देखते हैं ना, जो सिखाने के बाद हम पहले वो एक ड्राफ्टिंग दिखाता हूँ वो भी आप लोगों को नोट्स आप लोगों को चैनल पे हम दिखा देंगे। तो चलिए फॉर्मूला को आप नोट कीजिए और देखते रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और जो लोग हमारा ये प्रशांत का चैनल को हर रोज़ विजिट करते हैं फ्रेंड आप लोगों को दिल से थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए और घर में बैठकर सीखते रहिए, और कोई भी रिक्वेस्ट हो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड वो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है मगर अपलोड ज़रूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।